ओके गाइस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज का टॉपिक भी एमसीओ 5 से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, व्हाट इज अ कैश बजट एंड हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, इलस्ट्रेट। ठीक है, कैश बजट क्या होता है, किस तरीके से कैश बजट को तैयार किया जाता है, किस बेसिस पे तैयार किया जाता है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कैश बजट में दो चीजें हैं, एक है कैश, दूसरा है बजट। दोनों का मतलब पहले समझ लेते हैं। कैश का मतलब आप लोगों को पता है, जो आपके पास खर्च करने के लिए पैसे होते हैं वो कैश है। तो इन कैश आप करा सकते, मतलब ऐसे पैसे जो आपके पास हैं ऑलरेडी वो कैश है, जो आप खर्च कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, दैट इज कैश। नाउ व्हेन वी विल टॉक अबाउट बजट, बजट का मतलब ये होता है कि आपके पास जो पैसे हैं वो किस काम के लिए, कितने पैसे हैं आपके, आपने एक बजट बना करके रखा हुआ है। सपोज आपको पता है कि पूरे महीने में आपके 10,000 रुपए जो हैं आपके ग्रोसरी पे खर्चे होते हैं, राइट? ग्रोसरी पे सपोज आपके 10,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, 5,000 आपके इधर उधर के कुछ खर्चे हैं, या फिर जो भी, मैं ग्रोसरी को ही फोकस करके चलता हूँ। तो ग्रोसरी पे अगर 10,000 रुपए आपके खर्चे हैं, तो नेक्स्ट मंथ की जो 10,000 रुपए जो आपको नेक्स्ट मंथ, तो आपको फिर से वही सारी चीजें परचेस करनी है, चावल दाल आटा जो भी है, तो उन सबको परचेस करने के लिए आप क्या करेंगे, 10,000 रुपए अपने सैलरी में से पहले से ही अलग करके रख देंगे, या जो अगले महीने सैलरी आएगी आप उसमें से पहले से ही उसको अलग करके रख दोगे, क्योंकि ये जो है वो ग्रोसरी से रिलेटेड एक खर्च है। तो आप ना बजट तैयार कर लेते हो कि आपका जो है खर्च हर महीने कितने रुपए का ग्रोसरी में हो रहा है, और उस बजट के बेसिस पे आप अपने एक्सपेंसेस को क्या करते हो, एडजस्ट करते हो। कई बार आपका बजट बढ़ जाता है, कई बार घट जाता है, तो उसको जो है एडजस्ट किया जाता है एज पर द क्या कहेंगे, जितनी जरूरत होती है, एज पर द डिमांड यू कैन से। ठीक है, तो कैश बजट में वही चीजें हैं कि जब आप बिजनेस में, हम क्या हो रहा है कि जब आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं, जब आप किसी प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर हर साल आपको जो है इतना खर्च है। तो आप क्या करेंगे, आप एस्टिमेट एक बना लेंगे कि चलो इस चीज में मेरा जो है तकरीबन 3-4 लाख रुपए जो है, सपोज एक साल का जो है आपका रॉ मटेरियल आपका यूज हो जाएगा, तो आपने एक बजट बना लिया। अब नेक्स्ट ईयर जब आप सेम प्रोजेक्ट में वापस से जब आपको पैसे लगाने होंगे, तो आपको पता है कि लास्ट ईयर मैंने 3 लाख रुपए लगाए थे, तो इस साल में मेरा जो है 3-4 लाख रुपए के आसपास जो है मुझे लगेगा। तो इस साल का भी आपने एक एस्टिमेट बजट आपने बना लिया। जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी यही करती है, गवर्नमेंट को बहुत सारे टैक्सेस जाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, और जो पैसे गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट उन्हीं पैसों को हमारे ऊपर खर्चा करती है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। जैसे कि इंफ्रा के ऊपर कुछ काम हो गया, कुछ डिफेंस के ऊपर काम हो गया, इंफ्रा में जैसे कि मैं बता रहा हूँ रास्तों का निर्माण जो होता है बहुत ज्यादा वो हो गया, हाउसिंग डेवलपमेंट जो है गवर्नमेंट करती है, कई बार गरीबों के लिए घर बनवाना वगैरह वगैरह, है ना? तो ये सारे काम जो है वो सारे के सारे जो है हमारे पैसे पैसों से ही होते हैं, जो चीजें हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं। तो गवर्नमेंट भी एक बजट बनाती है, उनका देखना फरवरी के महीने में हर साल फरवरी के 28 या 29 तारीख को, जिस साल 28 होगा उस दिन, उस साल 28 होगा, जिस साल 29 होगा मतलब लीप ईयर में 29 को आता है, या आई गेस 28 को ही आता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उनका बजट जो है वो आएगा। बजट में क्या रहेगा कि हमारा जो इनकम इतना सारा है और इन इन चीजों पे हम खर्च करने वाले हैं, हमारा एक्सपेंडिचर इन इन चीजों में होने वाला है, दैट इज बजट। ठीक है ना? ओके दैट, तो अब इसको थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं, क्या है बुक्स में लिखा हुआ। अ कैश बजट इज अ फाइनेंशियल प्लानिंग टूल That helps business or individuals manage their cash inflows and outflows over a specified period, comma, ठीक है? Over a specified period मतलब कोई एक specific period के लिए जो है बजट तैयार किया जाता है, 3 महीने 6 महीने एक साल जो भी पीरियड आप देना चाहो, तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे, आप अपने कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को देखते हुए आप एक कैश बजट तैयार करोगे। और ये क्या है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग का एक टूल है। कैश बजट इज अ टूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग वेयर यू प्लानिंग मैनेज मैनेज योर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप ये काम करते हो, टिपिकली ऑन अ मंथली और क्वार्टरली बेसिस। हाँ किशन कुछ कह रहे हैं आप? मैं यही बोल रहा था कि दैट कैन बी मंथली और क्वार्टरली एदर हाँ, वो एनुअली। आपके ऊपर है कि आपका बजट किस तरीके का है। सपोज आपको सैलरी हर महीने आ रही है, तो आपका जो बजट होगा ना वो मंथली ही होगा, या फिर आप अगर बिजनेस कर रहे हो बड़े बड़े लेवल पे, तो आपका जो है हो सकता है क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, दैट्स अप टू यू कि आपका बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है, आपको रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट हो रहा है। हमारे लिए तो भाई अगर हम लोग अपना मंथली बजट बनाएंगे, तो हम लोग तो मंथली ही बनाएंगे, जो हमारा मंथली बजट जनरली होता है,
वी आर नॉट डूइंग बिजनेस, सो वो चीजें हैं, ठीक है ना। बट टिपिकली देखा जाता है कि बिजनेस में भी जो बजट है वो मंथली ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि मंथली ही एक्सपेंसेस को मैनेज करना आसान होता है। अगर आप एक साथ 6 महीने का करेंगे तो 6 महीने का आपको एक साथ आपको क्या कहते हैं कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो कंसोलिडेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि हर महीने का अगर रहेगा तो अलग अलग रहेगा, एग्जैक्ट फिगर आपको जो है तुरंत मिल जाएगा, लेकिन हर 6 6 महीने का एक साथ कंसोलिडेट करना इज क्वाइट टफ। दैट इज व्हाई पीपल प्रेफर डूइंग बजटिंग प्रोसेस ऑन अ मंथली बेसिस और मंथली क्वार्टरली बेसिस, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड फॉरकास्ट ऑफ एक्सपेक्टेड कैश रिसीप्ट। देखो एक्सपेक्टेड, ये कैश रिसीप्ट आपको हुआ नहीं है, आपका कोई कैश पेमेंट भी अभी तक नहीं हुआ, आपने बस एक फॉरकास्ट करा है जो कि एक्सपेक्टेड है कि ऐसा हो फॉरकास्ट सकता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड यस फॉरकास्ट ऑफ एक्सपेक्टेड कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स, इनेबलिंग इफेक्टिव कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। इसके कारण से फायदा क्या होता है कि जब आप पहले से बजट तैयार करके रखते हैं तो आपको पता है कि कितना जो है खर्च हो सकता है, अगर ज्यादा या कम होगा तो वहां पे डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आपको और करना है या नहीं करना है। कई बार अंडरमाइन भी हो जाता है, कई बार ज्यादा हो जाता है, बजट से ज्यादा खर्च हो जाता है, एक्चुअल कॉस्ट जो है वो बजट बजट से ज्यादा हो जाता है, तो उसके बेसिस पे जो है आपको अपने मैनेजमेंट को डिसीजन वगैरह लेने होते हैं, तो उस चीज में ये जो है काफी हेल्प करता है। तो प्रिपेयर अ कैश बजट, द फॉलोइंग स्टेप्स आर जनरली फॉलोड। जब आप कैश बजट को रेडी करेंगे तो कुछ कुछ चीजें आपको जो है फॉलो करनी है। किन किन स्टेप्स में करनी है? सबसे पहला स्टेप आपका होगा एस्टिमेट कैश रिसीट। आपको ये एस्टिमेट लगाना है कि टोटल रिसीट जो है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो 1 महीने का हो या क्वार्टरली हो, आप कितने पैसे आप रिसीव करोगे, ठीक है। तो ये पहले पहला काम है कि आपको अपने रिसीट्स को समझने हैं कि कितने पैसे आप रिसीव कर सकते हो। स्टार्ट बाय एस्टिमेटिंग ऑल द एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज ड्यूरिंग द बजट पीरियड, ठीक है। आपको एस्टिमेट लगाना है कि जो आपका बजट पीरियड है 1 महीने का, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, उसमें आपको कितना जो है एस्टिमेशन आपको लगाना है कि कितना आपको कैश रिसीट होगा। दिस इंक्लूड सोर्सेस सच एज सेल्स रिवेन्यू, यहाँ पे सेल्स रिवेन्यू आ जाएगा, कस्टमर के पेमेंट्स आ जाएंगे, लोन्स अगर आएंगे, अगर आप लोन्स लेते हैं तो लोन्स भी आपके आपको जब कैश मिलेगा तो आपके लिए कैश रिसीट ही होगा, ठीक है ना। तो लोन्स भी आ जाएंगे। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है इस मामले में कि सर लोन कैसे कैश रिसीट हो सकता है, वो तो पेमेंट में होना चाहिए, पर जब आप लोन ले रहे हैं तो बैंक आपके बिजनेस को लोन दे रही है, तो बिजनेस के लिए वो एक तरह का रिसीट है, ठीक है। तो लोन्स भी आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाएंगे, बहुत सारी कंपनीज आपके कंपनी में इन्वेस्ट भी करेंगी, है ना, तो वो भी कैश आपके पास आएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, एंड एनी अदर इनकम, किसी और तरह का इनकम भी, ठीक है। दीज एस्टिमेट्स आर टिपिकली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, मार्केट ट्रेंड्स, सेल्स फॉरकास्ट एंड अदर रिलेवेंट फैक्टर्स। अब ये जो एस्टिमेट्स आप बनाते हो कि आपको जो है इतने पैसे रिसीव होंगे, ये आप किस बेसिस पे बनाओगे? ये आप बनाते हो आपके हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे। अगर पिछले साल आपको 1 महीने में 3 लाख रुपए का रिसीट मिला था, तो एक्सपेक्टेड है कि इस साल के उस महीने में भी, जिस भी महीने का आप कर रहे हो उस महीने में भी, सपोज जनवरी का महीना है, पिछले साल आपको 3 लाख रुपए मिले, तो इस साल भी जनवरी के महीने में आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे आपने अपना एस्टिमेशन किया। मार्केट ट्रेंड्स, सेल्स फॉरकास्ट, ये सारी चीजें जो है जो एक रिलेवेंट फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो कि इसको एक तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं, बट हिस्टोरिकल डेटा को बेसिस कर करके लोग जो है बनाते हैं। दूसरा है प्रोजेक्ट कैश पेमेंट। आपने एस्टिमेट जब कर लिया, अब आप बताएंगे, अब आप एस्टिमेट करेंगे, अब आप प्रोजेक्ट करेंगे कि कितना खर्च जो है आपका होने वाला है विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। आइडेंटिफाई एंड एस्टिमेट ऑल द एंटीसिपेटेड कैश आउटफ्लोज ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड। दिस इंक्लूड एक्सपेंसेस लाइक रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री परचेजेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज, लोन रीपेमेंट। अब देखो वहां पे लोन आपने लिया था, यहाँ पे लोन रीपे आप कर रहे हो, टैक्सेस हो गया, एंड एनी अदर कैश पेमेंट्स। ऐसे जितने भी कैश पेमेंट्स हैं जो आप कर सकते हैं विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि यहाँ पे रॉ मटेरियल के ऊपर आप कैश पेमेंट कर सकते हैं, इन्वेंटरी परचेजेस के ऊपर आप कैश परचेस कर कैश पेमेंट कर सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ऊपर आप कैश पेमेंट कर सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर आपका कैश पेमेंट हो सकता है। तो आपको इसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और एस्टिमेट करना है कि कितना जो है आपका खर्च हो सकता है। हिस्टोरिकल डेटा, कॉन्ट्रैक्ट्स, इनवॉइसेस एंड बजटेड एक्सपेंसेस आर यूज्ड टू एस्टिमेट दीज कैश फ्लोस। अब इसको भी एस्टिमेट करने के लिए हम लोग हिस्टोरिकल डेटा, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपने अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट बना करके रखा है कि आपको जो है किसी को कुछ पैसे देने हैं, ठीक है ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट में ये करके रखा है कि तुम मुझे सामान दोगे, इस टाइम तक मैं तुम्हें पैसे वापस करूंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो इनवॉइसेस जो आपके पास आएंगे, जो बिल्स वगैरह आएंगे, जो बजटेड एक्सपेंसेस होगा, उसके बेसिस पे आपका जो एक तरीके से आप
आपका कैश पेमेंट को आप प्रोजेक्ट करते हो, आप उसको एक एस्टिमेट बनाते हो, ये दूसरा स्टेप हो गया, ठीक चाहे सर ये है। ऑनलाइन हो या चाहे ये ऑनलाइन हो या अपना कैश में हो, मतलब इक्वल इसमें ही आएगा ना, ऑनलाइन चाहे वहां से ऑफलाइन पेमेंट नहीं है ये करेंगे। ना। हाँ ये ना किशन, एक्चुअली कैश कैश ही है, मतलब ये ऑनलाइन में तो हालांकि क्रेडिट भी चलता है, बट ये प्रॉपर कैश है। अगर आप डेबिट कार्ड से खर्च कर रहे हो, डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो वो कैश ही आ रहा है आपके पास, ठीक है। आपके पास वो पावर है कि आप कभी भी बैंक से निकाल सकते हो, तो उसको हम लोग एज ए क्रेडिट कैश ही ट्रीट करेंगे। जो आपका कैश इन हैंड कैशड बैंक होता है ना, उसको हम लोग एज ए कैश ही ट्रीट करेंगे, यस वो भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, मतलब ये 1 4 कैश के लिए। हाँ ओके ओके। अगला पॉइंट है डिटरमाइन ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। आपका जो ओपनिंग कैश बैलेंस है, देखो इस साल हम लोगों ने पैसे कमाए, पैसे खर्च कर दिए, खर्च करने के बाद जो पैसे आपके इस साल के बच गए हैं, वही पैसे नेक्स्ट ईयर के लिए आपके क्या हो जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे। सपोज आप, बैलेंस यस, 1 लाख रुपए आपने कमाए हैं और 80 हजार रुपए आपने खर्च किए हैं, तो 20 हजार रुपए दिसंबर में आपके पास बचा हुआ है, तो जब नया साल शुरू हो रहा है, तो ओपनिंग जनवरी के महीने में वही 20 हजार आपके लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हाँ, फिर हो जनवरी जाएगा के महीने में दिसंबर तक नेक्स्ट ईयर आपने जो भी पैसे रिसीव किए, सपोज 1 लाख रुपए फिर से रिसीव किए, तो टोटल पैसा पैसा आपने जी। कितना रिसीव किया, 1 लाख 20 हजार। अब आपने एक्सपेंसेस चेक किए कि चलो 80 हजार का एक्सपेंसेस हुआ है, तो मतलब जो 40 हजार रुपए बच गया, वो उसके बाद वाले साल के लिए 40 हजार ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। हालांकि मैं साल भर का बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो बजट होता है वो जनरली मंथली बेसिस पे होता है, ठीक है ना, फाइनेंशियल मंथली बेसिस पे, फाइनेंशियल या लेयर ओवरऑल जब हम लोग करेंगे तो वो ईयरली होगा, बट जनरली लोग ज्यादा लफड़े में ना पड़े, ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसलिए वो लोग मंथली ही करते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। नहीं तो अगर आप 6 महीने का करेंगे, क्वार्टरली भी अगर करेंगे, तो बहुत एंट्री हो जाएगा, बहुत सारा एंट्री हो जाएगा जिसको क्रॉस लेयर वेरीफाई आपको हर बार करना पड़ेगा, ओके ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस डिटरमाइन द स्टार्टिंग कैश इनबैलेंस एट बिगिनिंग ऑफ द बजटेड पीरियड, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके कैश बैलेंस को डिटरमाइन करना है, वो तो आसान काम है, जो भी रिसीट है उससे उससे पेमेंट को घटा दो, आपका कैश बैलेंस निकल के आ जाएगा। तो जो बजट पीरियड स्टार्ट हो रहा है उसके टाइम पे कितना आपके ओके पास कैश है, वो आपको एस्टिमेट एक तरीके से निकालना है, डिटरमाइन करना है, आसान काम है। दिस कैन बी द एक्चुअल कैश बैलेंस फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड और अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट। अब ये जो है, देखो दो तरीके से हो सकता है, या तो ये कैश बैलेंस जो आपका एक्चुअल में बचा हुआ आपके पास है वो हो जाएगा, या आपने कोई प्री डिटरमाइन करके रखा है। एक होता है ना कि बजट में हम लोग पहले से सोच के रखते हैं कि इतना इनकम होगा, इतना खर्च होगा, तो इतना कैश इन हैंड हमारे पास बचेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, विच विल बी नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस। तो हम लोगों ने एक प्री डिटरमाइन करके रखा है, ये एक्चुअल नहीं है, तो ये एक्चुअल भी हो सकता है या आपका प्री डिटरमाइंड कोई अमाउंट भी हो सकता है। हालांकि जब हम लोग अकाउंट प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो हम लोग एक्चुअल ही लेते हैं, हम लोग एस्टिमेटेड चीजों को जस्ट एस्टिमेट के रूप में ही देखते हैं, कंपेयर करने के लिए बस, और कुछ नहीं। करने के चौथा पॉइंट है कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने का वही तरीका है, 1 महीने के स्टार्टिंग में आपके पास जितना था, महीने के दौरान जितने पैसे आपके पास रिसीव हुए प्लस जितने खर्च हुए, माइनस करके जो पैसे बचे, वही नेक्स्ट महीने के लिए वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, या नेक्स्ट क्वार्टर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। जैसे आप अपना मेंटेन करोगे वैसे आपको करना है, ठीक है। वही बात है, कैलकुलेट द क्लोजिंग कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच बजट पीरियड। अब बजट पीरियड आपका 1 महीना, 6 महीना, 3 महीना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पीरियड बाय कंसिडरिंग द ओपनिंग कैश बैलेंस, कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट। यहाँ पे ओपनिंग कैश बैलेंस भी होगा, कैश रिसीट ऐड होगा, माइनस कैश पेमेंट होगा। द क्लोजिंग कैश बैलेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द ओपनिंग बैलेंस टू द नेट कैश फ्लो, है ना। नेट क्लोजिंग बैलेंस अगर आपको पता करना है, तो उसके लिए आपको अपने जो जो भी पैसे आपने रिसीव किए हैं, उसको आपको अपने ओपनिंग बैलेंस के साथ माइनस जोड़ना होगा और पेमेंट को कैश माइनस करना होगा, कैश रिसीट माइनस कैश पेमेंट, पेमेंट या बराबर। एनालाइज एंड रिवाइज। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आप इसको एनालाइज करोगे और रिवाइज करोगे और पता करने की कोशिश करोगे कि आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो कितना हो सकता है फॉर द नेक्स्ट मंथ। एनालाइज द कैश बजट टू असेस द प्रोजेक्टेड कैश पोजीशन, आइडेंटिफाई एनी पोटेंशियल कैश शॉर्टेजेस और सरप्लस। शॉर्टेज मतलब पैसे की कमी, सरप्लस मतलब जब आपका पैसा ज्यादा होता है आपके एस्टिमेशन से, या आपके खर्च ज्यादा से ज्यादा होता है, दैट इज सरप्लस, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करना एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट, और उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट वगैरह करने होते हैं। दिस इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग द
टाइमिंग ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लोस है ना। अब इसमें क्या करना है, इसमें आप इवेल्युएट कर रहे हो कि कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की टाइमिंग वगैरह क्या है, कहाँ से वो पैसे आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, कहाँ पे तो कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, क्या आपको कंप्लीट जो है इसको एनालाइज करना है, रिवाइज करना है। हियर इज एन इलस्ट्रेशन टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रिपरेशन ऑफ अ कैश बजट। यहाँ पे एक यू नो तरीका बताया गया है कि किस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, एक एबीसी नाम की कंपनी है, जस्ट एक यू नो इमेजिनरी कंपनी है। एबीसी कंपनी इज प्रिपेयरिंग अ मंथली कैश बजट फॉर द अपकमिंग क्वार्टर। अगले क्वार्टर के लिए वो लोग एक बजट तैयार करके रखी है उस कंपनी ने, एंड बेस्ड ऑन देयर एनालिसिस दे एस्टिमेट द फॉलोइंग। ये चीजें वो लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। एस्टिमेटेड कैश रिसीट उनका जनवरी का कितना है, 50,000, 60,000 है फेब्रुअरी का, मार्च का है 55,000। इतने पैसे उनको मिलने वाले हैं। एस्टिमेटेड कैश पेमेंट कितना है, जनवरी में 50 मिलेगा, 40 खर्च करेंगे, फरवरी में 60 मिलेगा, 45 खर्च करेंगे, पैतालीस यस। मार्च में 55 मिल रहा है और मार्च में फिर 50 वो पचास लोग खर्च कर रहे हैं, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस जनवरी के शुरू में 10,000 है। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या करना है आपको, जनवरी का जो ओपनिंग है 10,000, उसमें से आप 50,000 ऐड कर दोगे जनवरी का, टोटल 60 हो गया। बराबर और जनवरी के महीने में आप 60। 40 खर्च कर रहे हो, तो बचा आपके पास कितना, 20। तो फरवरी के महीने में आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया 20, ट्वेंटी ठीक है। ट्वेंटी प्लस 60 20 प्लस 60, फिर माइनस 45। 60 फेब्रुअरी में आपका माइनस पेमेंट है 45 का, ठीक है। आई गेस होगा यहाँ पे। फोर्टी यहाँ देखो, ओपनिंग कैश बैलेंस फाइव 10,000, कैश रिसीट 50,000, टोटल अवेलेबल कैश 60,000, कैश फिफ्टी पेमेंट कर थाउजेंड दिया 40, फिफ्टी तो जनवरी के बाद फरवरी में ओपनिंग जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 20,000 है, और फरवरी का ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, 20,000, ठीक है। जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस 20 और फरवरी का ओपनिंग बैलेंस 20, वही चीज नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर हो जा रहा है। द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर फेब्रुअरी मार्च, फेब्रुअरी एंड मार्च, टेकिंग इनटू अकाउंट द ओपनिंग कैश बैलेंस, कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट फॉर ईच रेस्पेक्टिव मंथ। हर एक महीने के लिए आपको जो है वो चीज, इसी चीज को रिपीट करना है आपको अपना कैश फ्लो चेक यस करने के लिए। नाउ द सेम प्रोसेस, अच्छा ये तो हो गया। द कैश बजट अलाउज एबीसी कंपनी टू हैव अ क्लियर व्यू ऑफ देयर कैश पोजीशन फॉर ईच मंथ, ठीक है। इस कैश बजट के कारण जो है एबीसी कंपनी को एक क्लियर व्यू मिल जाता है कि उनका कैश का जो पोजीशन है हर महीने वो कितना है, कितने पैसे उनके पास बच रहे हैं, आउटफ्लो क्या वो लोग कुछ एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये डिसीजन भी वो लोग उस बेसिस पे ले पाएंगे। तो मंथली बेसिस पे वो क्या करेंगे, अपने कैश पोजीशन को चेक करेंगे। आइडेंटिफाई पोटेंशियल कैश शॉर्टफॉल्स, वो इससे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज उनको अचानक से दिखा, ये तो ये एस्टिमेट है जैसा मैंने आपको बताया। सपोज अगर अचानक से दिखा कि फरवरी के महीने में $25,000 अचानक से आपको पता चला कि किसी को पे करना है, तो क्या होगा, तो आपके पास उतने पैसे हैं ही नहीं, राइट। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, आपको पता चल जाएगा जब आप ये काम करेंगे कि आपको जो है उस महीने में 25,000 का शॉर्टफॉल होने वाला है, आपको जो है शॉर्टेज होने वाली है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप कहीं से मैनेज करोगे पैसे, लोन ले लोगे या कुछ करोगे, और फिर उसका इस्तेमाल आप करोगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा पोटेंशियल कैश शॉर्टफॉल को और सरप्लसेस को भी, एंड टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स टू मैनेज देयर कैश फ्लो इफेक्टिवली। और जो अप्रोप्रिएट मेजर्स हैं, जिस तरीके के मेजर्स उनको लेने चाहिए वो लेंगे, ताकि वो अपने कैश फ्लो को ठीक तरीके से मैनेज कर पाए, ठीक है। सो दैट्स इट, काफी इंटरेस्टिंग था कैश बजट, काफी इम्पोर्टेंट भी है, एक्सक्यूज क्वेश्चन आया हुआ है ये ऑलरेडी। मी सर, एंड हाँ कहिए। सर कह रहे अगर एग्जाम में आंसर करना होगा सर, तो ये जो कंपनी का एग्जाम्पल ये देना पड़ेगा क्या? आप अगर देंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर इलस्ट्रेशन देने के लिए बोला, जैसे कि यहाँ पे सकते देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ इलस्ट्रेट, सर? तो ओके सर। सर कोई भी एक कंपनी अगर का नाम देकर, इलस्ट्रेट रहेगा तब देंगे, है ना, ऐसे नहीं देना है। ऐसा नहीं कि नहीं दे, मतलब नहीं देना है, आप नहीं देंगी तो उसके लिए मार्क्स कटेंगे नहीं, पर कई बार ऐसा होता है ना कि जो चेकर होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा लिखो, तो अगर ऑप्शन रहेगा आपके पास तो आप लिख ही देना, ठीक है, छोड़ के नहीं आना है। ओके सर। सर कहने का मतलब सारे आंसर के साथ कंपलसरी नहीं, बट जहाँ पे इलस्ट्रेट है वहां पे तो करना जरूरी है ना, तो बिल्कुल मार्क्स बिल्कुल कट बिल्कुल जाएगा। हाँ, जी और जी ऐसे अगर सर बिल्कुल दे देंगे तो वो ज्यादा सही है किसी आंसर के साथ, है ना। हाँ, वो ज्यादा सही है क्योंकि उससे आपका इम्प्रेशन जो है वो अच्छा बनता है, ठीक है। ओके तो सर, वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, इट्स लाइक यस दैट। बिल्कुल सो यस सर, हाँ, तो वो हो गया, ठीक है। तो दैट्स इट, इसको यहीं पे रखते हैं।
एंड कल का ओके क्लास सर, कल सुबह में कैसा रहेगा? 8 बजे? ओके सर, सॉरी नो नहीं, कल प्रॉब्लम। यस यस सर, कल सुबह तो 8 बजे मेरा बीकॉम का क्लास है, कल सुबह 9 बजे करें? ओके सर, ओके, डन सर, डन सर, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, ओके देन कल सुबह 9 बजे मिलते हैं, ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक और एनीथिंग? नो नो सर, सर। ठीक है, यस ओके सर। देन, ओके देन, सी यू एक्सक्यूज मी टुमारो। सर, सर कह रहे जो भी अपडेट्स रहेगा आप प्लीज देते रहेगा सर, क्योंकि कुछ पता चल नहीं पाता है एक्चुअली। इग्नू बिल्कुल बिल्कुल, सर, अपडेट्स इग्नू के रिगार्डिंग स्कूल। डोंट वरी, अभी जो आपका काम है वो यही है कि आप असाइनमेंट लिखती रहे और साथ ही साथ जो मैं लेक्चर्स करा रहा हूँ इसको आप देखें सुने, और जो मैं PDF वगैरह शेयर करूंगा आप उसको पढ़ते रहिए, ठीक है? फॉर्म फिलअप के सर, और रिगार्डिंग कोई ये भी अपडेट होगा पूछना आई विल शेयर। सर, कहना है कि सर जो आप YouTube पे जितना भी वीडियोस डालें किसी भी सब्जेक्ट, जैसे MC01 है सर, तो वो जितना भी क्वेश्चंस है सर उतना सफिशियंट है मतलब एग्जाम के लिए, कि और भी अलग से पढ़ना पड़ेगा? आप वहां पे जो क्वेश्चंस आप देख रही हैं वो काफी पुराने हैं, ठीक है? पुराने एज इन ये तकरीबन 4 साल से मैं कर रहा हूँ, तो 4 साल पहले के वहां पे भी, वहां पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो कि 4 साल पुराने हैं, तो वो ना अपडेटेड नहीं। ऐसा नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप उनको भी करेंगे तो वहां से भी आपको फायदा मिलेगा, लेकिन बहुत सारे डेटा जो है ना समय के साथ साथ थोड़ा बदलता रहता है, पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा चेंज होता है, तो उस कारण से जो यस सर, अपडेटेड चीजें हैं उसको आप फॉलो करने की कोशिश करना, ठीक है? उसको भी आप वॉच कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आपका काफी जो है आपको समझ में आएगा चीजें कैसे हो रही हैं, ठीक है? तो वो हो गया। ओके सर। सर और आप तो जितना मतलब एग्जाम के लिए जितना भी सर आप तो उतना करवा ही दीजिएगा, है ना? एग्जाम में जो मैं करा रहा हूँ उसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला, दैट आई कैन गारंटी, ओके सर, ठीक है? सो डोंट वरी, असाइनमेंट्स आप फटाफट लिख लो और इसको थोड़ा बहुत करके साइड से करते रहो, और जैसे ही आपका असाइनमेंट लिखना स्टार्ट खत्म हो जाएगा आप इसको फुल फेज में अपना स्टडी स्टार्ट कर देना एग्जाम के लिए। और अभी कुछ ओके नहीं सर, करना, ओके 30 सितंबर से पहले आप लिख लो, लिखने के बाद आपको अपना स्टडी सेंटर जाके सबमिट करना है, और अगला जो काम रहेगा जो आपको करना पड़ेगा वो होगा दिसंबर नवंबर के महीने में आपका फॉर्म फिलअप करना, तो वो अपडेट मैं आपको दे दूंगा। रीरजिस्ट्रेशन सर तो वो एग्जाम देने के बाद होगा ना? वो एक्चुअली नवंबर से ही स्टार्ट हो जाता है, सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन नवंबर से ही, आपका जैन में अगर एडमिशन है तो नवंबर से ही वो स्टार्ट हो जाएगा, सर मेरा तो January 23 में एडमिशन है सर। राइट? सो यू विल हैव टू री रजिस्टर योर सेल्फ इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर के महीने में लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, वो भी मैं शेयर कर दूंगा, आपको बस ओके री सर, रजिस्टर कर लेना है, बस पैसे पेमेंट करने हैं उसको, और कुछ नहीं, उनको सिर्फ पैसे पेमेंट करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है ओके सर? सर, दोनों थैंक एग्जाम यू के लिए, सर। सर दोनों एग्जाम के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा ना, सेमेस्टर 1 और 2 दोनों ना? बिल्कुल बिल्कुल, टोटल 8 पेपर्स हैं आपके, बट स्टिल इफ यू फाइंड डिफिकल्टी इन अपियरिंग फॉर ऑल, मतलब सारे पेपर्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी पेपर को स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको देना ही है, ठीक है? यस सर, मुझे टोटल तो सर सारा पेपर देना, सो प्लीज सर आप उतना जितना भी सफिशिएंट हो करवा दीजिएगा, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है? बट इन केस अगर जैसे किशन पूछ रहे हैं कि कोई पेपर अगर नहीं देना चाहे, मतलब ऐसा तो आप पूछ नहीं रहे हैं, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि साथ आप यही जानना चाह रहे हैं कि 8ों पेपर आप बिल्कुल दे सकते हैं, बट इन केस इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी गिविंग एनी पेपर यू कैन स्किप इट एंड गिव इट इन द मंथ ऑफ जून एज वेल, जून के महीने में भी आपके 4 पेपर होंगे नेक्स्ट ईयर थर्ड सेमेस्टर वाले, उस टाइम पे आप 1-2 पेपर दे सकते हैं, क्योंकि कई लोग ना 8 पेपर एक साथ देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? तो सर कई लोग स्किप कर जैसे जाते हैं, जैसे कि तो आपके मैंने ऊपर। सर 1 मिनट, जैसे कि मैंने सेकेंड सेमेस्टर का 2 एग्जाम दिया, तो हाँ ये 2 का रिजल्ट पेंडिंग रहेगा, और जब मैं 2 का नेक्स्ट नेक्स्ट क्वार्टर में नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दे दूंगा, फिर वो साथ में रिजल्ट आएगा उसका? नहीं, रिजल्ट रिजल्ट वैसे नहीं आएगा, रिजल्ट पहला बात तो आपके हाथ में नहीं आएगा, जो आएगा वेबसाइट पे अपडेट होगा, और जैसे जैसे आप एग्जाम देते जाएंगे वैसे वैसे आपका मार्क्स भी अपडेट होता जाएगा, रिजल्ट मतलब वेटिंग पे मार्क्स कुछ नहीं अपडेट रहेगा। होता हाँ, वेबसाइट पे जाएगा? मार्क्स अपडेट होता जाएगा, जैसे ही आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, 1 साल कंप्लीट होने के बाद एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा इग्नू की तरफ से, जो कि प्रोविजनल होगा, वो फाइनल सर्टिफिकेट नहीं होगा, ठीक है? जब आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो जाकर के आपके पास एक फाइनल रिजल्ट और फाइनल एक सर्टिफिकेट आएगा इग्नू की तरफ से। सर्टिफिकेट के लिए हालांकि आपको अलग से कॉन्वोकेशन में पार्टिसिपेट करना होता है, या आप अगर पार्टिसिपेट नहीं भी करेंगे तो भी आपको 1,000 रुपए कम से कम देने हैं, ठीक है? इग्नू ओके, को जो है सर्टिफिकेट आपको के लिए। वापस से फॉर्म फिलअप करना होगा सर्टिफिकेट के लिए, रिजल्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा, सर्टिफिकेट के लिए आपको वापस से पे करना होगा, ठीक है? बट वो ओके एकदम सर, आखिर में, अभी नहीं। हाँ, वो नेक्स्ट ईयर,
हाँ, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल रिजल्ट, ये दो चीजें आपको मिल जाती हैं। सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए आपको जो है अलग से कॉन्वोकेशन फी पे करना पड़ता है। कॉन्वोकेशन जो है वो रीजनल सेंटर वाइज होता है, जैसे कि मैं बंगाल से हूं तो मेरा रीजनल सेंटर कोलकाता है, तो कोलकाता में जो है इसका कॉन्वोकेशन होगा। आपका जो ओके जो भी आपका स्टेट है उसका जो कैपिटल सिटी होगा वहां पे आपका कॉन्वोकेशन होगा, हाँ तो आप कॉन्वोकेशन में जाकर के पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। अच्छा भी लगता है, कॉन्वोकेशन गाउन पहनाया जाता है वगैरह वगैरह, तो वो चीजें हैं, यस आप चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी टाइम है उसमें, लेकिन काफी टाइम है। विल ओके थिंक सर, लेटर। ओके ओके सर, थैंक यू सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके विल सर। मीट मैंने अम्मा। हाँ, टुमारो 9 AM शार्प। यस ओके ओके देन, सर, ठीक है, बाय, थैंक यू गुड सर, गुड नाइट। नाइट। ओके सर, गुड नाइट।